हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को स्टडी करेंगे। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स नाम दे रहे हैं, दैट मीन्स ये मिडल में बनेंगे, रिएक्शन के मिड में बनने वाले हैं, ठीक है ना। और इसी जैसे पहले रिएक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, रिएक्टेंट्स देखते हैं। रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन, रिएक्टेंट्स लेंगे, ठीक है। इन रिएक्टेंट्स से कोई भी इंटरमीडिएट बनेगा और इस इंटरमीडिएट स्पीसीज से फर्दर आगे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। क्या ये इंटरमीडिएट सारी रिएक्शन में बनता है, तो हम कहेंगे नहीं, सारी ही रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट एक लेस स्टेबल स्पीसीज होती है जो कि रिएक्शंस के बीच में बनती है, ठीक है। टू टाइप के रिएक्शंस हमने देखी थी, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर एलिमिनेशन, E1 E2 SN1 SN2 के अंदर हम क्या देखते हैं कि SN1 और E1 रिएक्शंस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है ना। जबकि SN2 रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का। किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का। दैट मीन्स हर रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट नहीं बनती है ना। इंटरमीडिएट सारे के सारे रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, देखो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हाईली अनस्टेबल स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और जब इंटरमीडिएट बनता है तो वो कितने ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरता है, टू ट्रांजिशन स्टेट से। एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, देन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, देन अगेन एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखो वापस बताती हूँ, देखो रिएक्टेंट आर ले लिया अपन ने, रिएक्टेंट आर से फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट से किसका फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट का, ठीक है। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और जब ये इंटरमीडिएट आगे प्रोसीड होता है तो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट आगे किसका फॉर्मेशन करती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज, इसी इंटरमीडिएट के टाइप्स को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट्स के कितने टाइप्स होते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट्स के देखो मेजर टाइप जो है वो टू टाइप के हैं, मेजरली तो टू टाइप के। एक तो होमोलाइटिक क्लीवेज से बनने वाले इंटरमीडिएट, और दूसरा हो जाएगा हेटरोलाइटिक क्लीवेज से बनने वाले इंटरमीडिएट्स। होमोलाइटिक क्लीवेज दैट मीन्स ये हमारे जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है इसके पास में ए और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा है जी, ठीक है। ए और जी में से, जी के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज इन द सेंस कि इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल फॉर्म में ए पे भी आ जाए और जी पे भी आ जाए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ए पे आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जी पे आ जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज से किस टाइप के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ए रेडिकल जी रेडिकल। यानी कि होमोलाइटिक क्लीवेज से हमें किसका फॉर्मेशन मिलेगा, फ्री रेडिकल्स का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन सेकंड टाइप का, हेटरोलाइटिक। हेटरोलाइटिक क्लीवेज में देखो क्या होता है, ए है, ग्रुप जी जुड़ा हुआ है। देखो हेटरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, जो बॉन्डेड बॉन्ड है ए और जी के बीच में, उसके इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के पास में चले जाएंगे। अब बात आती है किसके पास जाएंगे, जी के पास जाएंगे या फिर ए के पास जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, वही क्या कर पाएगा, इस नेगेटिव चार्ज को अटेन कर पाएगा। दैट मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे ऊपर वाले इस केस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी की ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, जी की। तो उस केस के अंदर देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, जी की तरफ। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जी की तरफ शिफ्ट कर गए, तो यहाँ पे ए के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ए के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाने की वजह से ए के पास में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज,
और जी के पास में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमें क्या मिल गया, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ, इस बॉन्ड के सारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के पास में चले गए और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का जनरेशन हुआ। ठीक है, मान लेते हैं अपन कि ये जो जी है ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये ए है ये भी हमारा कैसा है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो यहाँ पे सी पे प्लस चार्ज आ गया है, यहाँ पे सी पे माइनस चार्ज आ गया है। इस स्पीसीज से हमें क्या मिला, कार्बो कैटायन, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, कार्ब एनायन। ऐसा कभी होता नहीं है कि दोनों एक साथ मिल जाए, है ना, मैं जस्ट आपको कह रही हूँ मानने को। ठीक है, कोई अनदर एग्जांपल ले सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे टाइम बीइंग अगर कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बो कैटायन है, अगर कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा कार्ब एनायन और कार्ब कैटायन बनेगा कैसे, तो देखो अगर जैसे सी और किसी जी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये जो ग्रुप है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जी की तरफ शिफ्ट करेंगे और किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बो कैटायन का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, कार्बन के पास में, और क्या बन जाएगा, कार्बन आयन। ठीक है, तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से कौन कौन से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, कार्बो कैटायन एंड कार्ब एनायन का। होमोलाइटिक क्लीवेज से किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल्स का। ए मान लो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन फ्री रेडिकल का, क्लियर। तो ये तो हो गए होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बनने वाले इंटरमीडिएट्स। आगे हम कंसिडर करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्पेशल टाइप के इंटरमीडिएट्स, तीन स्पेशल टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं। पहला कार्बीन, दूसरा नाइट्रीन, और तीसरा बेंजाइन। बेंजाइन, ठीक है, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, इनको स्पेशल टाइप का क्यों बोला है, देखो दिखने में ये स्पीसीज कैसे दिखाई दे रही है, बेंजाइन कैसा दिखाई दे रहा है, ये कैसे दिखाई दे रही है, इसके पास में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कार्बन के पास में, इसके पास में क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास में क्या है, देखो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, बट फिर भी देखो इसमें स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी ये है कि ये सारे के सारे जो इंटरमीडिएट्स हैं स्पेशल टाइप के, ये एज ए ई प्लस एक्ट करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल एयर एक्ट करते हैं, दैट मींस ये इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रीन भी इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजाइन भी इलेक्ट्रोफाइल है। देखो इसको समझने के लिए कोई ज़्यादा ट्रिकी काम लेने की जरूरत नहीं, आप केवल इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, कार्बिन और नाइट्रीन के, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रीन पे आइए, नाइट्रीन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसके लोन पेयर है ना, वो क्या है, इसके लोन पेयर्स है। ये नाइट्रीन के अंदर एक बॉन्ड होगा सिर्फ, है ना, गलत बन गया, नाइट्रीन के अंदर केवल ये एक बॉन्ड होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना, वैसे नाइट्रीन के पास में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है ए। अब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एज ए ई प्लस एक्ट करेंगे, एज ए ई प्लस एक्ट करेंगे। बेंजाइन के केस में क्या होता है, देखो बेंजाइन के केस में ये सिचुएशन होती है कि ये जो टू
इलेक्ट्रॉन्स है, टू लोब्स है, पाई लोब्स है जो ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है, इसके ये जो लोब्स हैं, ये टू ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या करते हैं कि इन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके प्लेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये भी क्या होते हैं, एज ए ई प्लस एक्ट करते हैं। स्पेशलिटी इनकी ये है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये इनिशियली तो ई प्लस के रूप में एक्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही इनके रिएक्शन NU- से होती है, ये क्या करते हैं, अगेन न्यू NU- बना देते हैं, क्लियर। ये यहाँ पे क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं कार्बिन की रिएक्शन करवाती हूँ NU- से, ठीक है, तो ये एज ए E+ एक्ट करेगा, लेकिन इसके क्योंकि इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि जैसे ही ये NU- से रिएक्शन करेगा, इसके खुद के पास में कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, क्लियर। नाइट्रीन की रिएक्शन कराते हैं NU- के साथ में, जैसे ही ये NU- से रिएक्शन करेगा, इसके खुद के पास में कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। ये इसकी स्पेशलिटी है। बेंजाइन के सेम, बेंजाइन के केस में करा देते हैं NU- से रिएक्शन, क्योंकि इसकी स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे ही ये NU- से रिएक्शन करेगा, मान लीजिए यहाँ पे इसने NU- पर रिएक्शन कर लिया, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो ये स्पेशल टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं, ओके। अब हम इन सबको एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं कार्बोकेटायन, ओके। कार्बो केटायन इंटरमीडिएट, कार्बो केटायन यानी कि कार्बन और फिर उसके ऊपर कैसा चार्ज, केटायनिक चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज। इसको कार्बेनियम आयन भी बोला जाता है, कार्बेनियम आयन पहले बोला जाता था, ठीक है ना। कार्बेनियम आयन भी क्या है, कार्बो केटायन, ठीक है। पहले इसको कार्बेनियम आयन बोला जाता था, यानी कि कार्बन है, कार्बन के पास में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और स्ट्रक्चर कैसा हो गया इसका, अच्छा कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, दैट मींस ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट मींस एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, That means act as electrophile. Electrophile का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर्स, इलेक्ट्रॉन लवर्स। That means देखो पॉजिटिव, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट ऑन मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो रिएक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर लिख दो, मोर की जरूरत ही नहीं है, रिएक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आओ, देखो स्ट्रक्चर कैसा है। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटायन कैसा होता है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी, कैसी ज्योमेट्री होती है, प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तभी तो ज्योमेट्री कैसी है, प्लेनर है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है,
बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर रहा है, हमें पता, एनयू माइनस से रिएक्शन करेगा हमें पता है, ठीक है। कार्बोकेटायन है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे इसके पास में क्या प्रेजेंट है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्या प्रेजेंट है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। इसी वैकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से ही तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है। ये प्लस लगाने का मतलब क्या है कि इस पे का, इसके पास में क्या है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। यही वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या करता है, एनयू माइनस से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। किसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, एनयू माइनस से मिलने वाले, ठीक है। एनयू माइनस से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में चले जाते हैं और बॉन्डिंग हो जाती है ना। तो इस तरह से ये रिएक्ट करता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, क्लियर। तो बॉन्ड एंगल इसका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा। स्टेबल होना चाहेगा और होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से रिएक्शन करेगा और अपना अपडेट कंप्लीट करेगा, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन इनकी प्रॉपर्टीज पे। टाइप्स ऑफ कार्बन कैटायन, टाइप्स ऑफ कार्बन कैटायन जनरली ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंड वाला है सेकेंडरी, और थर्ड वाला है टर्शियरी कार्बन कैटायन, ठीक है। कार्बन जिसके पास है पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, कार्बोकैटायन है, ठीक है। इस कार्बन से अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, कितने मिथाइल ग्रुप, ओनली एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो वो कैसा होगा, प्राइमरी टाइप का कार्बन कैटायन। ओनली वन मिथाइल ग्रुप अटैच, वन मिथाइल या वन अल्काइल ग्रुप कह दो, मिथाइल नहीं, इसको मोर अप्रोप्रिएट क्या वर्ड होगा, वन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, वन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन कैटायन। अगर टू अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन कैटायन, ठीक है। कब, जब टू अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, व्हेन टू अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ओके। क्या नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्शियरी कार्बन कैटायन, इसके अंदर थ्री अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है। कितने अल्काइल ग्रुप, थ्री अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने केवल मिथाइल ग्रुप लिया है, और भी कोई भी चेन हो सकती है, लॉन्ग चेन हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि केवल दो है तो सेकेंडरी होगा, और थ्री है तो टर्शियरी होगा, और वन है तो प्राइमरी होगा, ठीक है। अच्छा स्पेशल यहाँ पे स्पेशलिटी की बात करें तो एक होता है देखो बेंजाइलिक कार्बन कैटायन, ये आपका टोलुइन स्ट्रक्चर है, टोलुइन से, टोलुइन के ऐसे स्ट्रक्चर से मैं क्या करती हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर एज ए एच माइनस बाहर निकला मान लो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन कैटायन, हाइड्राइड बाहर निकल गया और क्या मिल जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन कैटायन, इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजाइलिक कार्बन कैटायन, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन कैटायन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके एक और इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, अलाइलिक कार्बन कैटायन। देखो ये अल्कीन है और इस अल्कीन रिंग से एक अल्कीन ग्रुप से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, उस मिथाइल ग्रुप में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये है आपका अलाइलिक कार्बन कैटायन, ठीक है। ये अलाइलिक कार्बन कैटायन है। एक और ऐसा कि ऐसा देखो ये होता है जहाँ पे अल्कीन है और पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं वाइनिलिक कार्बन कैटायन, वाइनिलिक कार्बन कैटायन, ठीक है। ये है आपका अलाइलिक कार्बन कैटायन, ठीक है। स्टेबिलिटी
देख लेते हैं इसका। देखो एक होता है ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और इससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके पास से पॉजिटिव चार्ज लगाया है तो ये तो होता है ये ना, तो उससे बोला जाएगा प्रोपार्जलिक चार्ज कहते हैं, प्रोपार्जलिक कार्बो कहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपके बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, देन अलाइलिक कार्बोकैटायन, देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड एट लीस्ट स्टेबल इज मिथाइल कार्बोकैटायन। रीजन क्या है? रीजन के अंदर हम 3 फैक्टर यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी को जो है बताने वाले 3 इफेक्ट हम देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रेजोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, इन सारे इफेक्ट्स को कल अपन देखेंगे और स्टेबिलिटी ऐसी क्यों है उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।